के साथ में एक ऐसा हेयर मास्क या प्रोटीन या सीरम आप बोल लीजिए, मैं प्रोटीन मास्क आप लोगों के साथ में प्रिपेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने बालों को ना एकदम अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो और जो सफेद बाल हैं वो तो 100% काले होने वाले हैं। वेलकम बैक टू माई फ्रेंड्स, माई चैनल नेम इज मुंबईकर बिंदु एंड आई एम बिंदु। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को यही बता रही हूँ कि किस तरह से आप एक हेयर प्रोटीन मास्क रेडी कर सकते हो, जो कि आपके बालों को झड़ने से, टूटने से, साथ ही साथ बालों में अगर आपके रूखापन हो गया है सर्दियों के मौसम की वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है। हमें देखिए इजीली यहाँ पे मेथी आराम से मिल रही है दोस्तों। इस टाइम पे कैसे होता है ना, मेथी और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा ये लिया है जिसे कि धनिया, आप सभी लोगों को पता है मेथी और धनिया, ये दो चीजें काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में हमें मिल रही है सर्दियों के मौसम में। इसका सेवन करना भी आप शुरू कर दीजिए, इंटरनली तो काम करेगा ही आपके बॉडी में, और आउटर पर्पस के लिए तो जो मैं आप लोगों को रेमेडी बता रही हूँ दोस्तों, ये 100% आप लोगों के लिए वर्क करने वाले हैं। मेथी बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों, हमारे बालों के लशर्स को मेंटेन करते हैं, पोषण देते हैं। जब हमारे बाल और स्कैल्प में पोषण मिलते हैं तभी हमारे बाल जो है ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं, काले होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों चीजों को मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने पानी डाला है 1 कप के तकरीबन, और इस मेथी के लीव्स को अच्छी तरह से मैंने धो करके तोड़ करके ले लिया है। ठीक है, अब हमें गैस के फ्लेम को हमने ऑन रखा है, इन सारी चीजों को आपको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसे प्योरी भी बना करके डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे और भी इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरह से। ये जो ग्रीन वाली जो मूंग आती है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छी होती है, खाने में भी इसका इस्तेमाल करिए, साथ ही साथ इसे स्प्राउट बना करके जरूर खाइए। मैं एवरीडे स्प्राउट का यूज करती हूँ। आप लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद नहीं है, जी हाँ ये बात सच है, क्योंकि मैं अपने बालों को काला बनाए रखना चाहती हूँ, और एक हाथ जो बाल प्री मेच्योर है उसे भी मैं अगर आप चाहे 40 साल के हो चाहे तो फिर 25 साल के हैं दोस्तों, आप लोगों को जो मैं छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स बताते रहती हूँ मेरे चैनल पे, मे भी आप लोगों को किसी और चैनल पे देखने के लिए ना मिले, बट मैं आप लोगों के साथ में जो भी प्रोटीन जो मैं इंटेक करती हूँ वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मतलब आप लोगों को दूसरे लोगों की वीडियोज देखना पसंद है तो कोई बात नहीं, बट मैं कैसे आप लोगों को एक नेचुरल और हेल्दी वे भी बताती हूँ जिससे कि आप अपने बालों को इंटरनली काला कर सकते हो। तो इसका जो होता है ना, मैं मॉर्निंग में ये जो स्प्राउट बन जाता है ना, इसे भिगो करके रख देती हूँ, 4 से 5 घंटे में स्प्राउट बन जाता है, तो मैं इसे सुबह के टाइम पे ले लेती हूँ और शाम के, मतलब 2 टाइम में इसे खाने में हमेशा ले लेती हूँ। तो ये जो ग्रीन वाली मूंग है ना, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, तो ग्रीन मूंग, चने वगैरह वो सब होते हैं ना काफी अच्छे होते, तो 2 बड़े चम्मच आपको यहाँ पे इस मूंग को इस तरह से डाल देना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे अच्छी तरह से हम बॉईल करेंगे। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे मिलने वाला है, हमारे बालों में मिलने वाला है, ये सारी न्यूट्रिशन आपको किसी और तत्व से नहीं मिलेगा, बट आपको अगर ये फ्रेश चीजें मिल रही हैं मार्केट में, क्योंकि इसमें औषधीय गुण भरपूर होते हैं जो हम खाने में तो इंटेक करें, साथ ही साथ हम आउटर पर्पज पे इसका यूज करके अपने बालों को लंबा, काला और घना और मजबूत बना सके, वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ दोस्तों। तो मेरा कैसे है, मैं स्प्राउट हमेशा लेती हूँ, इसीलिए आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपके तो बाल काले हैं, आप सफेद नहीं है, थोड़े बहुत प्रीमेच्योर है दोस्तों, ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं उस पर भी काम करती हूँ, आप लोगों के साथ में उस रिजल्ट को भी शेयर करते रहती हूँ। हाल ही में मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ में, ये वाली, तो इस क्लिप में जो मैंने थंबनेल लगाई है, आप इस वाली वीडियो पे जाइए, ये वीडियो में मैंने जो नेचुरल तरीके से अपने बालों को काला बनाया है ना, वैसे आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए ये जो वाटर का कलर है इस तरह से चेंज हो रहा है। हम इसे हल्के से थोड़ी देर पकाएंगे, और जब तक कि ये 1 कप पानी आधे कप में टर्न ना हो जाए तब तक हम पकाएंगे। उसके बाद हम जितने भी इंग्रीडियंट्स लेंगे उसे बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। एक प्रोटीन आपका सीरम बन करके रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो चलिए अब इसे बॉइल करते हैं। हाँ, तो कम से कम मुझे लगता है ये 5 से 6 मिनट तो बॉईल करने के लिए लगेगा। मैं आपको 5 से 6 मिनट के बाद मिलती हूँ दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छी खासी मात्रा में बॉईल हो चुका है, और इसका जो कलर है आप देख सकते हो किस तरह से ये टर्न हो गया, चेंज हो गया ना, मीन्स आपका जो वॉटर में जितनी भी चीजें हैं न्यूट्रिशन इसमें आ गई है।
ठीक है। वैसे तो हमने इसमें मेथी और मूंग मिलाई है दोस्तों, आप सभी जानते हैं वैसे कि हाई प्रोटीन होता है मेथी में, निकोटिनिक एसिड कंटेंट पाया जाता है जिससे कि हमारे जो बाल होते हैं ना डैंड्रफ या फिर हेयर फॉल हो रहा है अगर आपका, तो ये वैरायटी वैरायटी में अगर आपके हेयर फॉल हो रहे हैं स्कैल्प से तब भी ये आपको ट्रीट करता है, हील करता है आपके स्कैल्प को, ठीक है। तो चलिए अब हमने इसे छान लेना है अच्छी तरह से। कि फ्रेंड्स हमने एक बाउल ले लिया है और इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए सारे के सारे जो तत्व हैं इसके अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब इसे हम अच्छे से छान लेते हैं और इसे आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसे आपको क्या करना है अच्छी तरह से ग्राइंड करके पेस्ट बना करके आप अपने चेहरे पे जरूर लगाएं। अगर आपको एंटी एजिंग बताऊं मैं तो इसमें भरपूर होते हैं दोस्तों, और ये एंटी एजिंग सोर्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए हमारी जो झुर्रियां होती है उसे डीले करने का भी बहुत अच्छा काम करती है, जो कि ग्रीन मूंग और की मेथी करने वाले हैं। तो दोनों चीजों को आपको एक पेस्ट बना करके अपने चेहरे पे लगाना है, इसे आपको फेंकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे इसे कंटेनर में इस तरह से छान करके ले लिया है, इसका कलर भी आप देख सकते हो, ये देखिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें क्या आप चीजें ऐड करेंगे। ये एक तरह से आपका एक प्रोटीन बेस तैयार हो चुका है, अब हम इसमें प्रोटीन ऐसा प्रोटीन ऐड करने वाले हैं जिससे कि आप अपने बालों को जड़ से काला बना सकते हैं ताउम्र के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप चाय की पत्ती और फिर यहाँ पे कॉफी का पानी जो है इसके अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाय की पत्ती का और कॉफी का पानी इस तरह से ये देखिए ऐड कर दिया है, जो कि आपके बालों को सिल्की सॉफ्ट और नॉरिशमेंट देंगे। सारी चीजों को कम से कम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा प्रोटीन मास्क बनने के लिए रेडी हो चुका है, हम यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, अभी तो मेरे पास बहुत कम है ये क्वांटिटी में, बट अगर आपके पास है तो आप जरूर ये ले लीजिए। इसे हम रीठा कहते हैं दोस्तों, बालों को क्लींस करने का बहुत अच्छा काम करती है। तो मैंने यहाँ पे आधे चम्मच के तकरीबन मेरे पास रीठा है इस तरह से, आधे से एक चम्मच, और ये मेरी खत्म हो चुकी है और भी मुझे ये मंगवानी है, तो मैं यहाँ पे कम से कम एक चम्मच तो ये निकल ही गई। तो एक चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पे रीठा का पाउडर ऐड कर देना है, ये आपके बालों को जड़ों से साफ करती है और जड़ों को मजबूत करने का बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। ये देखिए ये प्रोटीन मास्क हमारा और भी अच्छी तरह से रेडी होने वाला है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ दोस्तों बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट, जैसे कि देख सकते हैं आप रतन जोत का पाउडर, जो कि हमारे स्किन और हमारे हेयर के लिए काफी ज्यादा अच्छे प्रिवेंट करता है आपके प्री मेच्योर ऑफ ग्रेइंग हेयर को। इसमें नेचुरल कलर होते हैं जो कि नेचुरली आपके बालों को ब्यूटीफुल बनाते हैं, शाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़े चम्मच के तकरीबन आपको यहाँ पे जटामासी की तरह ही दिखता है दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा जटामासी मेरे मुंह पे आ जाता है, बट ये रतन जोत का पाउडर है जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है, ठीक है। सारा का सारा न्यूट्रिशन देखिए, ये नेचुरली ब्यूटीफुल बनाएगा आपके बालों को, नेचुरल तरीके से काला बनाती है। इसे ना आप प्रिपेयर करके एक बॉटल में भर करके किसी कंटेनर में या फिर स्प्रे बॉटल में भर करके इसे आप रख लीजिए, और जब भी आपको लगे तो इसे स्प्रे कर लीजिए। इसी से आपके बालों को ये जड़ों से काला भी बनाएगा, हेल्दी बनाएगा और बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी आने वाला है आपके बालों में। तो इसे हम सबसे पहले धीरे धीरे से मिक्स कर लेते हैं। इसका कलर भी आप देख सकते हो, ये अपने कलर नेचुरली कलर प्रोड्यूस करता है, औषधीय गुणों से भरपूर है, और साउथ में दोस्तों रतन जोत का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज आप गूगल जरूर करिएगा, साउथ में जो है कि रतन जोत जो है मसालों में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर आपने भी यूज करना शुरू किया तो बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देखने के मिलेगा। बालों के लिए जो रतन जोत आती है वो थोड़ा सा अलग टाइप की होती है, और जो हम खाने में रतन जोत जो लेते हैं ना दोस्तों वो थोड़ा अलग टाइप की होती है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बस अब क्या करना है किसी भी बॉटल में इसे ना आपको फील करके रखना है। तो चलिए मैं इसे एक बॉटल में फील कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरह का मेरे पास एक बॉटल है, तो मैं इसे इसमें इस तरह से फील करने वाली हूँ, और नीचे कुछ रख लेते हैं अदरवाइज गिर ना जाए। तो एक प्लेट के अंदर आप इस तरह से रख करके इसे आप इस तरह से फील कर लीजिए।
और कैसे होता है ना, जब भी आप नहाने जाएंगे उस टाइम पे इसे कम से कम 1 घंटे पहले अपने बालों पे इसका स्प्रे कर लीजिए। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये रतन जोत काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और ये हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमारे बालों पे बुढ़ापा नहीं आने देते ना। तो ये ही चीज़ है, ये देखिए मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से और भी क्लीन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसे बॉटल में अच्छी तरह से फील करके रख लिया है, और जब भी आपको लगे तो आप इस तरह से ले करके अपने बालों पे, हाथों पे इस तरह से ले करके अपने बालों पे इसको जड़ों पे लगाएं, और जिसे इसे आप कम से कम 1 वीक स्टोर करके रख सकते हैं, और उसके बाद फिर से आप नया बना सकते हैं। एक प्रोटीन हेयर मास्क जिससे कि आप अपने बालों को जड़ से काला, लंबा, घना, मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करें।